कोई भी नाउन यदि एक है तो उसको सिंगुलर कहते हैं, और यदि एक से ज्यादा है मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा है तो प्लूरल यूज करते हैं। कोई नाउन है जैसे कि लिखा है चेयर, अब चेयर एक नाउन है और इसको अगर प्लूरल बनाना है तो हम क्या करते हैं, सामान्यतया यस जोड़ देते हैं, यानी कि यस जोड़ने से हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। कब होता है सर? ऐसा नाउन में होता है, नाउन में जब क्या करते हैं, कोई नाउन लिखा होता है जैसे चेयर मीन कुर्सी, और इसको अगर प्लूरल बनाना है बहुवचन बनाना है तो यस जोड़ देते हैं। लेकिन वर्ब में सेम उल्टा, यानी कि अगर गो लिखा है और इसको जो है इसमें यस या ईएस जोड़ते हैं हम लोग, जैसे इसमें ईएस जुड़ता है तो हमने ईएस जोड़ दिया, तो इसमें जब ईएस जोड़ते हैं तो ये हमारा सिंगुलर बनता है, मतलब ये हमारा सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल है, ठीक। जबकि नाउन में उल्टा होता है, ये हमारा सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल है, ठीक। तो ये बात जो है आप समझ लीजिए कि किसी नाउन में यस या ईएस या वी एस या यस जोड़ने से या आई ई एस जोड़ने से कोई नाउन जो होता है वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन किसी वर्ब में यदि यस या ई एस वी ई एस आई ई एस इस तरह के अगर लेटर जोड़ते हैं तो वो जो है सिंगुलर हो जाता है, प्लूरल ना होकर के सिंगुलर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो नाउन होता है हमेशा सिंगुलर होता है, उसको प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन जो वर्ब होते हैं वो प्लूरल होते हैं उनको सिंगुलर बनाया जाता है। अभी मैंने बताया यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आर से जुड़े हों, तो कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और आर से जुड़ा है तो ऐसे कंडीशन में वर्ब सिंगुलर प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका होगा, श्याम आर राम, श्याम या राम, हैव या हैज कम हियर, ठीक। अब इसमें जो वर्ब है, इसमें जो वर्ब लिखा है वो कौन सा यूज किया जाएगा, हैव या हैज, दोनों में करेक्ट कौन सा है? तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन कर्ता है और वो आर से जुड़ा है, यानी वो आर है ना यहाँ दिया हुआ है, आर से जुड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो वर्ब यूज करना है वो भी सिंगुलर ही यूज करना है। मोहन आर सोहन ईट ईट्स द फूड, इन इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, एरर देखकर बताइए हमको कहाँ है गलती। इट्स इज करेक्ट एंड हियर हैज इज करेक्ट, ठीक। यहाँ पर इट्स करेक्ट होगा, यहाँ पर हैज करेक्ट होगा।